मामला लग रहा है। बच्चियों का क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, रात रात भर जगना हो रहा है, ढंग से खाना पीना नहीं हो रहा है, हो सकता है खाना वाना रख के थोड़ी देर बाद खाई हो या इस तरह का मामला कुछ रहा होगा। ये अभी तो हम लोग इसको मामला को कंट्रोल करने में जुटे हैं, उसके बाद हम लोग कितने अभी 39 और 8 लगभग 47 बच्चे यहाँ आए हैं हॉस्पिटल, उनको शिफ्ट किया गया है। 4-5 एम्बुलेंस हम लोग ने यहाँ से भेजा था, 2 टीम वहाँ पर स्कूल में सुबह से ही काम कर रही है। वहाँ पर लगभग 150 से 200 बच्चों को दवाई दी जा चुकी है, उनकी स्थिति नियंत्रण में, इसलिए उनको वहीं रखा गया है। कुछ एक 47 बच्चे यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। एग्जाम सेंटर में भी कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो मैं खुद वहाँ गया था, वहाँ लगभग 20 बच्चियों का इलाज किया गया। कुछ लोगों का हम लोग ने वहाँ एग्जाम सेंटर में ही सलाइन लेने की व्यवस्था किया है, वो लोग वहाँ पर कंट्रोल होने के बाद थोड़ी देर बाद एग्जाम भी लिखेंगे। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी एग्जाम लिखने की बात हो या कुछ और भी बात हो, वो इस इनकी जो से बाधित नहीं हो। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है कि इनकी इन बच्चियों की समस्या का हम लोग निराकरण कर सकते। मिला के देखा जाए तो प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग है। हाँ, लगभग सब जगह प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग ही माना लग रहा है। ये पूरा समझने, सारी बातों को समझने के बाद ही कहा जा सकेगा कि क्या मामला।